जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम कमांडो में। तो साथियों, जो भी SSC GD 2021 के भर्ती के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आज बहुत ही बड़ी अपडेट SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की है। तो वो रिपोर्ट क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। जो चैनल पर नए कैंडिडेट्स हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशंस होगी, जो कोई भी जानकारी होगी SSC से रिलेटेड, वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो साथ ही चलते हैं, जो SSC ने आज अपडेट दी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पर क्या उन्होंने कहा है आपके रिजल्ट के बारे में। SSC GD भर्ती 2021 का जो CVT हुआ था, उसका जो अपडेट है वो यहाँ पर आया हुआ है। लेटेस्ट न्यूज़ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, SSC की वेबसाइट पर आज जो है ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है 4 फरवरी को। स्टेटस रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट एज ऑन 4/2/2022। तो 4/2/2022 को जो रिपोर्ट है रिजल्ट की, उसके बारे में यहाँ पर SSC अनाउंस किया। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो PDF थी वो ही डाउनलोड हो चुकी है आपके सामने, और इसमें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है स्टेटस रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट एज ऑन 4/2/2022 तक जो इनकी रिजल्ट की स्टेटस है कि कौन सा रिजल्ट जो है कब देना है, उसके बारे में उन्होंने एक अपना कैलेंडर बना दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं सीरियल नंबर और नेम ऑफ एग्जामिनेशन, टेंटेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट की जो टेंटेटिव डेट है डिक्लेयर करने की, निर्धारित करने के लिए, उसके लिए उसके बाद रिमार्क्स में कि एक्चुअल में जो कब डिक्लेयर हुआ। जैसे ये है, इन्होंने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 15/7/2021 को टेंटेटिव डेट दी थी, और ये हो गया था 14/7/2021 को, मतलब एक दिन पहले ही हो चुका था। तो इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो हमें SSC GD भर्ती 2021 का देखना है यहाँ पर। तो SSC GD भर्ती 2021 का जो अभी हाल में ही एग्ज़ाम हुआ था, 20वें नंबर पर आप देखोगे कांस्टेबल GD इन CAPF, NIA, SSF एंड राइफल मैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 CB कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो हुआ था, उसका जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ दोस्तों वो दिया है 15 अप्रैल 2022 को। दोस्तों जो 15 अप्रैल 2022 को जो है वो रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल अभी हाल में ये आस लगाए हुए थे कि जो फरवरी में जो है वो रिजल्ट आएगा दोस्तों, तो ये कतई भी उनकी जो बात थी वो यहाँ पर सच नहीं हुई, क्योंकि वो एक अपने अनुमानित आधार पर बोल रहे थे। लेकिन ये SSC है दोस्तों, SSC कुछ भी कर सकती है, कब भी हो सकता है। ये 15 को इन्होंने बोला हो, लेकिन ये 10 को आ जाए, या फिर 8 को, 7 को, या फिर एक दिन पहले, या फिर 5 दिन बाद में, या 2 दिन बाद में, इस तरह से इनका बैरी करता रहता है डेट्स में। ये टेंटेटिव डेट होती है दोस्तों, इसमें चेंजेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी 1-2 महीने में आस लगाए हुए थे कि रिजल्ट आ जाएगा तो हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी मायूसी वाला पल है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आपको कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो डेट जो है वो अनाउंस कर दी है 15 अप्रैल की, और उसके बाद आप मान के चलिए 2 महीने आपको तकरीबन समय दिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड बनेंगे, और उसके बाद आपको फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा 2 महीने। तो 2 महीने और, तो मतलब साल के जो 6ठा महीना होगा जून में, वहाँ से आपको जो है वो आपका फ़िज़िकल चालू होगा। लेकिन फ़िज़िकल भी जून नहीं, जुलाई या अगस्त में फ़िज़िकल लेंगे दोस्तों आपका, क्योंकि गर्मी होती है, तो गर्मी में जो होता है आपका फ़िज़िकल इतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन CAPF कुछ भी कर सकती है, तकरीबन आपका ये मानकर चलिए कि जुलाई अगस्त में जो है वो आपका फ़िज़िकल स्टार्ट होगा, और उसके बाद दिसंबर के समथिंग जो है आपका मेडिकल होगा, और जनवरी फरवरी के समथिंग आपका री मेडिकल वगैरह होके, तो ये आपकी जॉइनिंग जो है तकरीबन आपकी ये चली जाएगी 2023 तक दोस्तों। 2023 के मतलब अप्रैल मई में जो है वो ज्वाइन आपका हो सकता है, इस हिसाब से, इस शेड्यूल के हिसाब से दोस्तों। अभी ये सब कुछ टेंटेटिव है, आप तैयारियां करते रहिए, और इसी तरह से दोस्तों और भी आगे जो भी आपके एग्ज़ाम दिए उसकी अच्छे से तैयारियां करते रहिए। रिजल्ट है, रिजल्ट जैसा भी आएगा आप सभी के लिए अच्छा ही आए दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आपको पल पल की अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।